दोस्तों नॉर्मल ड्रोन तो हमने बहुत सारे बनाए हैं, बट आज की इस वीडियो में हम एफपीवी फ्रेम की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उसे असेंबल करने वाले हैं। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है बैटरी स्ट्रैप, जो कि बैटरी को माउंट करने के काम में आती है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है दो माउंट, जो कि कैमरा के लिए है, एफपीवी कैमरा के लिए। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टीपीयू माउंट है, चलिए इनको बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन से माउंट हमें मिले हैं। सबसे पहले ये जो माउंट है ये कॉलम में लगता है और इस तरीके के दो माउंट हमें मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है आर्म गार्ड, ये हमें चार मिलते हैं और चारों आर्म में लगते हैं। दोस्तों ये जो माउंट है इसके अंदर से एफपीवी कैमरा के जो वायर है वो निकलते हैं। दोस्तों ये माउंट तो सबको पता ही होगा, गोप्रो के लिए ये माउंट, इस पर हम एक्शन कैमरा लगा सकते हैं कोई सा भी, गोप्रो की ज़रूरी नहीं है। ये माउंट है एफपीवी कैमरा के लिए और ये भी हमें दो मिलते हैं। यहाँ पर है बैटरी पैड, जिसे हमें फ्रेम के ऊपर की साइड लगाना है और उसके ऊपर बैटरी लगेगी। यह है एंटीना माउंट, यह है एक्शन कैमरा को लगाने के लिए नट और बोल्ट। यहाँ पर हमें मिलता है अपना मेन फ्रेम, जो कि फुल्ली कार्बन फाइबर से बना है और इसमें हमें मिलती है टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, मिडिल प्लेट और चार आर्म। दोस्तों फ्रेम की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इस बॉक्स में हमें यहाँ पर फ्रेम का डायग्राम भी देखने को मिलता है, जिसे देखकर हम फ्रेम को आसानी से असेंबल कर सकते हैं। फ्रेम को असेंबल करने के लिए हमें यहाँ पर जो बॉटम प्लेट है उसे रखना है और उसके बाद चारों आर्म को उसके ऊपर लगा देना है। आर्म को लगाने में कोई प्रॉब्लम आए तो डायग्राम देखकर लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मिडिल प्लेट को लगा देना है। सारे स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है, जिससे कि लूज ना रहे। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा फ्रेम कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हमें लेना है एफपीवी कैमरा माउंट और उसे लगा देना है। अब हमें चारों आर्म के नीचे की साइड आर्म गार्ड को लगा देना है। उसके बाद हमें चार कॉलम को लगाना है, जिससे कि हम टॉप प्लेट को लगा सकें। कॉलम लगा देने के बाद यहाँ पर एंटीना माउंट भी लगा देना है। अब हमें यहाँ पर टॉप प्लेट को लगा देना है और सारे स्क्रू को टाइट कस देना है। अब हमें आगे की साइड में यहाँ पर जो एक्शन कैमरा माउंट है उसे भी लगा देना है। यहाँ तक हमारा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना मस्त लग रहा है। आने वाली वीडियो में हम इससे ड्रोन भी बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।